नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलूंगा सबसे पहले कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कौन कौन से वर्ड्स को हम यूज करते हैं, इसके मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्टिंग की, फिर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, और फिर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी की। तो ये चार वर्ड्स को मैं लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम आएंगे आगे कॉस्ट अकाउंटेंसी को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ। तो डेफिनेशन हमारी कॉस्ट की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो CIMA इंग्लैंड ने डेफिनेशन दी थी, लागत अथवा परिव्यय से आश्रय व्यय की उस राशि जिसमें वास्तविक अथवा काल्पनिक दोनों से है, जो किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ व सुविधा को प्राप्त करने के लिए की जाती है अथवा उससे संबद्ध होती है। इसका मतलब क्या है, इस मतलब को थोड़ा सा समझिए। मैं यहाँ पे दो वर्ड्स को यूज कर रहा हूं। एक तो देखिए, लागत अथवा परिव्यय से आशय व्यय की उस राशि से है, उस राशि मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी बात करें, खर्च करें उस राशि से है, वो वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। वास्तविक का मतलब जो खर्च होने वाला है, और काल्पनिक का मतलब जो खर्च हो सकता है उसकी बात करें कि भविष्य में ऐसा एक्सपेंडिचर हो भी सकता है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को शामिल करते हुए किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ व सुविधा को प्राप्त करने के लिए की जाती है, उससे संबंधित होती है, संबद्ध होती है, इसको बोलते हैं कॉस्ट। मतलब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या किसी सुविधा को आप रेंडर कर रहे हो, तो उसके लिए जो आप खर्च करते हो पैसा, वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। यह CIMA की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम समझते हैं, यह है कॉस्टिंग की डेफिनेशन। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जिसको कॉस्टिंग को हिंदी में कहते हैं लागत निर्धारण, लागत निर्धारण अथवा परिव्ययांकन, लागत निर्धारण अथवा परिव्ययांकन, लागत ज्ञात करने की एक तकनीक एवं प्रक्रिया है। इसमें केवल दो वर्ड यूज किए हुए हैं, एक तो है आपका तकनीक और दूसरा है प्रक्रिया। कि तकनीक एवं प्रक्रिया है, टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे कॉस्ट डिराइव होती है। मतलब ये हुआ कि जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते समय जो जो खर्चे हुए उसके आप टोटल लगा दो। टोटल लगाने का एक तरीका है कि आप कितने खर्चा हुआ। जैसे हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में देखा जाता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो तीन एलिमेंट्स की जब बात करें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो बनती है कॉस्ट। ये जो तरीका है कि कॉस्ट कैसे निकलती है, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखिए, लागत लेखांकन अथवा परिव्यय लेखांकन लागत के लिए लेखा करने की एक प्रक्रिया है। अब देखिए, आप देखेंगे तो यहां पे कॉस्टिंग की डेफिनेशन में भी प्रक्रिया है और लागत लेखांकन में भी ये क्या है, प्रक्रिया है। जो आय, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय तथा व्यय अथवा उन आधारों के जिन पर इसकी गणना की जाती है, अभिलेखन से तो प्रारंभ होता है और सांख्यिकी समंकों के तैयार होने के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स करता है, रिकॉर्डिंग से शुरू होता है। रिकॉर्डिंग किसकी, रिकॉर्डिंग इनकम और एक्सपेंडिचर की, रिकॉर्डिंग से शुरू होता है और सांख्यिकी समंक मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर करने पर यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझिए आप। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का सा डिफरेंस है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें, कुछ आधार लेके चलते हैं। गणना कैसे स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग से शुरू करते हैं और स्टैटिस्टिकल डेटा कंप्लीट, सांख्यिकी समंक के क्या है, तैयार होने के साथ उसको समाप्त किया जाता है। मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन अथवा परिव्यय लेखांकन क्या है, लागत के लिए लेखा करने की क्या है, एक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया है जो क्या करता है, आय तथा व्यय अथवा उन आधारों के जिन पर इसकी गणना की जाती है, अभिलेखन से तो प्रारंभ होती है और सांख्यिकी समंकों के तैयार होने के साथ ये समाप्त हो जाती है। तो ये डेफिनेशन CIMA की है, ये सारी डेफिनेशन CIMA की है। CIMA जो है कॉस्ट, CIMA इंग्लैंड की डेफिनेशन है ये। फिर चौथी हम डेफिनेशन पे चलते हैं, जो आपकी है कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए लिखा है कि लागत नियंत्रण एवं लाभप्रदता के निर्धारण के विज्ञान
कला एवं व्यवहार से हैं, इसके साथ ही इसका आश्रय प्रबंधकीय निर्णयन हेतु सूचना प्रस्तुत करने के लिए लागत लेखांकन एवं लागत लेखांकन के सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग करने से भी है। मतलब समझे आप, इसमें जो डेफिनेशन के अंदर दो तीन पॉइंट मैंने जो अंडरलाइन किए, इस पॉइंट को समझे आप। सबसे पहला आता है प्रबंध के निर्णय। प्रबंध के निर्णय का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो कॉस्ट आई हुई है, कॉस्ट के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं कि अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लॉस हो रहा है, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। जब जैसे प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी कॉस्ट डिराइव की जाती है, अगर कॉस्ट परफेक्ट आ रही है, मार्केट की रेट के साथ हम मैच कर पा रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, तब उसको क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, अन्यथा उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई डिपार्टमेंट बंद करना है, किसी डिपार्टमेंट की जगह किसी को किराए पे लेना है, जैसे मेक और बाई के डिसीजंस हो गए, वेदर टू मेक और टू बाई, कि खुद बनाए या बाहर से खरीदे, वेदर टू क्लोज द डिपार्टमेंट और नॉट, एक डिपार्टमेंट को क्लोज करके दूसरा डिपार्टमेंट शुरू कर दे या जो लॉस वाला डिपार्टमेंट उसको क्लोज कर दे, ये बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। दूसरा होता है कि निर्णय हेतु जो सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं, कि आप सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे उसके बेस पर निर्णय लिए जाते हैं। तो सूचना प्रस्तुत करने के लिए लागत लेखांकन और लागत लेखांकन के सिद्धांतों को हम यूज करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, और उसकी विधियों को हम यूज करते हैं, उनकी प्रविधियों का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करके हम क्या करते हैं, एक डिसीजन पे हम पहुंचते हैं। डिसीजन किसके? मैनेजमेंट के डिसीजन पे। तो ये डेफिनेशन बताती है कॉस्ट अकाउंटेंसी की, और कॉस्ट अकाउंटेंसी की हम जब बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर चारों वर्ड्स, जैसे कौन कौन से, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑडिट, इन सब का समावेश होता है। जब हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? देखो, कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है खाली चीजें कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब यहां पे जब मैं बात करता हूं कि हमारे जब एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब एक तो होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है ओवरहेड्स। ये तीन हमारे जो एलिमेंट्स है, इन तीनों एलिमेंट्स को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ना, हम उस, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मतलब कॉस्ट कहने का मतलब मैं उस प्रोडक्ट को कितने में परचेज कर रहा हूं। अगर उसकी प्राइस के रिलेटेड अगर मेरी सिमिलर मेरी प्राइस रहेगी मेरे प्रोडक्ट की, तो मार्केट में बिकने के चांस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे चीजें मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इसको ये समझ लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चार चीजें होती है, कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, और कॉस्ट ऑडिट होता है। जो हमारे जो लागत लेखापाल जो होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं, उनका काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? लेखों की जांच पड़ताल करना। एक समय के अंदर जब आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, एक ईयर कंप्लीट हो जाता है, ईयर के बाद उस अकाउंटिंग किए हुए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उस रिकॉर्ड को चेक करने का काम जो है ऑडिटर्स का होता है, तो कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, यहां पे सुनिए ध्यान से। हम कंट्रोल की जब बात कर रहे थे, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये चीज समझाई कि हमारे कॉस्ट डिराइव करने के लिए, कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हम तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं। एक आता है मटेरियल, दूसरा आता है लेबर, और तीसरा आता है ओवरहेड। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को हम साथ में लेके चलते हैं। देखिए, जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, मैन्युफैक्चरिंग की जब मैं बात करूंगा कि मैं नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो करने से पहले मैं रिसर्च करता हूं। क्या रिसर्च करता हूं? कि मार्केट में वो चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नया प्रोडक्ट है जो आप पहली बार आप लॉन्च कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और जो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेरे यहां पे देखता हूं कि अगर वही प्रोडक्ट अगर मैं अपने यहां पे फैक्ट्री में बनाऊं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जो मेरी कॉस्ट है और मार्केट की जो प्राइस है, उसके अंदर अगर थोड़ा डिफरेंस आता है, डिफरेंस मतलब अगर मार्केट की प्राइस ज्यादा है, मेरी कॉस्ट कम है, तो मुझे मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, उस प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। इसका मतलब मार्केट की प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तभी मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो मार्केट की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट में वो चीज कितने में मिल रही है। तो मैं उसी प्राइस के सिमिलर में वो प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तो मुझे सिमिलर प्राइस में लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरी कॉस्ट को
कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ? तो कम करने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को कम कर दो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तब उस कंट्रोल को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन कॉस्ट की थी, उसके बाद कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटेंसी की आपको मैंने डेफिनेशन समझाई। Thank you for watching guys, and please like, subscribe and share the channel. और इसके बाद की जो वीडियो है इसका पार्ट सेकेंड देखें आप, इसका कनेक्टिंग वीडियो है उसको देखिए। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर कुछ चीज समझ नहीं आती प्लीज कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।